किसके कहने पर तुम ऐसा कर रहे हो? कैसे बोलेंगे? At whose behest are you doing like this? At whose behest are you doing like this? Means किसके कहने पर तुम ऐसा कर रहे हो? आपके भाई के कहने पर मैं ये काम कर रहा हूँ. I am doing this work at the behest of your brother. I am doing this work at the behest of your brother. मैं आपके भाई के कहने पर ये काम कर रहा हूँ. कुछ तो सुंदरता की वजह से और कुछ समझदारी की वजह से उसे नौकरी मिल गई. Partially because of beauty and partially because of intelligence, she got the job. आइंदा से वह इस तरह नहीं बोलेगा. कैसे बोलेंगे? आइंदा को बोलेंगे as of now. कैसे? As of now, he won't speak like this. As of now, he won't speak like this. Means आइंदा से वह इस तरह से नहीं बोलेगा. आशीष को छोड़ो, तुम मेरे पास आओ. Let Ashish be you come to me. Let Ashish be you come to me. Means आशीष को छोड़ो, तुम मेरे पास आओ. क्या वे खाना बनाने में अच्छी नहीं है? Is she not good at cooking? Is she not good at cooking? Means क्या वे खाना बनाने में अच्छी नहीं है? सोनम नाचने में अच्छी नहीं है. Sonam is not good at dancing. Sonam is not good at dancing. Means सोनम नाचने में अच्छी नहीं है. वह अपनी औकात से ज़्यादा बात कर रहा था. He was getting above himself. He was getting above himself. Means वह अपनी औकात से ज़्यादा बात कर रहा था. ज़रूरत से ज़्यादा होशियार मत बनो. Do not get above yourself. Do not get above yourself. Means ज़रूरत से ज़्यादा होशियार मत बनो. मेरी सफलता की वजह मेरी माँ का आशीर्वाद है. कैसे बोलेंगे? My success is down to my mother's blessing. My success is down to my mother's blessings. Means मेरी सफलता की वजह मेरी माँ का आशीर्वाद है. तुम्हारी खराब हालत की वजह तुम्हारा आलसीपन है. Your bad condition is down to your laziness. Your bad condition is down to your laziness. Means तुम्हारी खराब हालत की वजह तुम्हारा आलसीपन है. मैं उसे परेशान नहीं कर रहा हूँ, वह मुझे परेशान कर रहा है. I'm not bothering her. On the contrary, she is bothering me. I'm not bothering her. On the contrary, she is bothering me. Means मैं उसे परेशान नहीं कर रहा हूँ, वह मुझे परेशान कर रहा है. उसने मुझे पैसा नहीं दिया, उल्टा मैंने उसे पैसे दिए. कैसे बोलेंगे? He didn't give me money. On the contrary, I gave him money. He didn't give me money. On the contrary, I gave him money. Means उसने मुझे पैसा नहीं दिया, उल्टा मैंने उसे पैसा दिया. पार्टी में उसे कोई भाग नहीं दे रहा था. She was getting cold shoulder in the party. She was getting cold shoulder in the party. या फिर हम बोल सकते हैं everyone was giving cold shoulder in the party. Everyone was giving cold shoulder in the party. Means party में उसे कोई भाव नहीं दे रहा था. तुम चाहो कितना भी कोशिश कर लो, वह तुम्हें भाव नहीं देगी. No matter how hard you may try, she will give you cold shoulder. No matter how hard you may try, she will give you cold shoulder. Means तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वह तुम्हें भाव नहीं देगी. क्या आपके पिताजी ऊपर अखबार पढ़ रहे हैं? Is your father reading a newspaper upstairs? Is your father reading a newspaper upstairs? Means क्या आपके पिताजी ऊपर अखबार पढ़ रहे हैं? मेरे बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं. My kids are reading downstairs. My kids are reading downstairs. Means मेरे बच्चे नीचे पढ़ रहे हैं. वह घर का काम काज कर रही थी. She was doing household chores. She was doing household chores. Means वह घर का काम काज कर रही थी. चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला. Worrying is not going to help you. Worrying is not going to help you. Means चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला.
चुपचाप से कार में बैठो. गेट इन द कार क्वाइटली. गेट इन द कार क्वाइटली मीन्स चुपचाप से कार में बैठो. उनसे बात करने का अपना ही मज़ा है. सबसे पहले तो अपना ही मज़ा है या फिर एक अलग ही मज़ा है. इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं हैज़ इट्स ओन फील. हैज़ इट्स ओन फील. और इस कंप्लीट सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे टॉकिंग टू यू हैज़ इट्स ओन फील. टॉकिंग टू यू हैज़ इट्स ओन फील मीन्स तुमसे बात करने का अपना ही मज़ा है. टॉकिंग टू यू हैज़ इट्स ओन फील. बारिश में नहाने का एक अलग ही मज़ा है. बाथिंग इन रेन हैज़ इट्स ओन फील. बाथिंग इन रेन हैज़ इट्स ओन फील मीन्स बारिश में नहाने का एक अलग ही मज़ा है. बाथिंग इन रेन हैज़ इट्स ओन फील. तुम्हारे साथ रहने का अपना ही मज़ा है. विंग विद यू हैज़ इट्स ओन फील. विंग विद यू हैज़ इट्स ओन फील मीन्स तुम्हारे साथ रहने का अपना ही मज़ा है. बींग विद यू हैज़ इट्स ओन फील. दोस्तों के साथ मस्ती करने का एक अलग ही मज़ा है. हैविंग फन विद फ्रेंड्स हैज़ इट्स ओन फील. हैविंग फन विद फ्रेंड्स हैज़ इट्स ओन फील मीन्स दोस्तों के साथ मस्ती करने का एक अलग ही मज़ा है. हैविंग फन विद फ्रेंड्स हैज़ इट्स ओन फील. गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े खाने का भी अपना ही मज़ा है. कैसे बोलेंगे हम इसको इंग्लिश में? सबसे पहले तो पकौड़ों को इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्राइटर्स. और कंप्लीट सेंटेंस को हम बोलेंगे हैविंग फ्राइटर्स विद हॉट टी हैज़ इट्स ओन फील. हैविंग फ्राइटर्स विद हॉट टी हैज़ इट्स ओन फील मीन्स गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े खाने का भी अपना ही मज़ा है. हैविंग फ्राइटर्स विद हॉट टी हैज़ इट्स ओन फील. अकेले रहने का भी अपना ही मज़ा है. इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना. इसके साथ ही गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास बोलो कब जाना है. टेल मी व्हेन टू गो. टेल मी When to go means बोलो कब जाना है. Tell me when to go. मैं कल तक आने की कोशिश करूँगा. I will try to come by tomorrow. I will try to come by tomorrow means मैं कल तक आने की कोशिश करूँगा. I will try to come by tomorrow. तुम हमेशा मुझे रुलाते हो. You always make me cry. You always make me cry means तुम हमेशा मुझे रुलाते हो. You always make me cry. समय पर पहुंच जाना. Reach on time. Reach on time means समय पर पहुंच जाना. Reach on time. मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा. I will try to come early. I will try to come early means मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा. I will try to come early. आज रात यहीं आराम करो. Take rest here tonight. Take rest here tonight means आज रात यहीं आराम करो. Take rest here tonight. वो बैठने वाला था. सबसे पहले तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं just to. जहाँ पर कोई भी काम करने वाला था ऐसा वर्ड आता है तब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे just to. या और इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज जस्ट टू सिट. ही वॉज जस्ट टू सिट मीन्स वो बैठने वाला था. ही वॉज जस्ट टू सिट. तुम उसे मुंह तोड़ जवाब देने वाले थे. यू वर जस्ट टू गिव हिम अ गुड रिटॉर्ड. यू वर जस्ट टू गिव हिम अ गुड रिटॉर्ड मीन्स तुम उसे मुंह तोड़ जवाब देने वाले थे. You were just to give him a good retort. हम उसे बताने वाले थे. We were just to inform him. We were just to inform him means हम उसे बताने वाले थे. We were just to inform him. वो रोने वाली थी. She was just to cry. She was just to cry means वो रोने वाली थी.
She was just to cry. Shan कहने वाला था. Shan was just to say. Shan was just to say means Shan कहने वाला था. Shan was just to say. वह खेलता रहता है. सबसे पहले तो जैसे लगे रहना या फिर कोई भी काम है उसको करते रहना, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं keep on. और इस कंप्लीट सेंटेंस को हम बोलेंगे He keeps on playing. He keeps on playing means वह खेलता रहता है. He keeps on playing. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वैसे भी मैं ऐसी पार्टियों में नहीं जाती हूँ. वैसे भी यहाँ पर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे anyway. और कंप्लीट सेंटेंस को हम बोलेंगे आई डोंट गो टू सच पार्टीज anyway. आई डोंट गो टू सच पार्टीज anyway means वैसे भी मैं ऐसी पार्टियों में नहीं जाती हूँ. आई डोंट गो टू सच पार्टीज anyway. मैंने वहाँ पानी भी नहीं पिया. यहाँ पर भी जहाँ पर बर्ड यूज़ हो रहा है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इवन. इसको हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे कंप्लीट सेंटेंस को, आई डिडेंट इवन ड्रिंक वाटर देयर. आई डिडेंट इवन ड्रिंक वाटर देयर मीन्स मैंने वहाँ पानी भी नहीं पिया. आई डिडेंट इवन ड्रिंक वाटर देयर. मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया. यूं ही को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैजुअली. और कंप्लीट सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली. आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली मीन्स मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया. आई जस्ट आस्क्ड कैजुअली. मुझे पता चला है कि तुम आ रहे हो. आई हैव कम टू नो दैट यू आर कमिंग. आई हैव कम टू नो दैट यू आर कमिंग मीन्स मुझे पता चला है कि तुम आ रहे हो. आई हैव कम टू नो दैट यू आर कमिंग. आगे से ऐसा मत करना. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट डू दिस. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट डू दिस मीन्स आगे से ऐसा मत करना. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट डू दिस. आगे से मुझसे कुछ मत छुपाना. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी. आगे से इसके लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. आगे से टाइम पर आना. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कम ऑन टाइम. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कम ऑन टाइम मीन्स आगे से टाइम पर आना. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कम ऑन टाइम. इस बहाने से तुमसे मुलाकात हो जाएगी. आई विल मीट यू ऑन दिस एक्सक्यूज. आई विल मीट यू ऑन दिस एक्सक्यूज मीन्स इस बहाने से तुमसे मुलाकात हो जाएगी. आई विल मीट यू ऑन दिस एक्सक्यूज. इस बहाने से इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑन दिस एक्सक्यूज. ऑन दिस एक्सक्यूज. नेक्स्ट सेंटेंस है अब हमारे पास, इस बहाने से हम एक दूसरे को जान भी लेंगे. कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, वी विल ऑल्सो नो ईच अदर ऑन दिस एक्सक्यूज. वी विल ऑल्सो नो ईच अदर ऑन दिस एक्सक्यूज मीन्स इस बहाने से हम एक दूसरे को जान भी लेंगे. We will also know each other on this excuse. इस बहाने से थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा. We will have some outing on this excuse. We will have some outing on this excuse. Means इस बहाने से थोड़ा हमारा घूमना फिरना हो जाएगा. We will have some outing on this excuse. गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें.